हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित सहारनपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सहारनपुर जिला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 ज़िलों में से एक सहारनपुर ज़िला के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर ज़िला उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा उत्तराखंड और हरियाणा राज्य से मिलती है। सहारनपुर ज़िला का हेडक्वार्टर ऑफिस सहारनपुर शहर में मौजूद है, और सहारनपुर जिला होने के साथ साथ एक मंडल भी है, और सहारनपुर जिला सहारनपुर मंडल के ही अंतर्गत आता है। सहारनपुर जिला की स्थापना 1340 के आसपास में हुई, और इसका नाम एक राजा शाह रणवीर के नाम पर पड़ा। बाद में मुगलों द्वारा इसका नाम सहारनपुर किया गया। सहारनपुर जिला के पड़ोसी जिले का नाम मुजफ्फरनगर जिला है। सहारनपुर जिला में 11 ब्लॉक, 11 नगर पालिका, 22 पुलिस स्टेशन, 3 मुख्य कॉलेज, 1 बिजली घर, 1 मुख्य सरकारी अस्पताल और 887 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित सहारनपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 3689 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सहारनपुर जिला की कुल आबादी 34,67,332 है। इस 34,67,000 में पुरुषों की कुल आबादी 18,34,709 और महिला की कुल आबादी 16,32,623 है। सहारनपुर जिले का औसत लिंगानुपात 898 के करीब है, यानी कि सहारनपुर जिला में 1000 पुरुष पर 898 महिला हैं। सहारनपुर जिला में हिंदू धर्म की आबादी 50% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 45% है। सहारनपुर जिला के मुख्य नदी का नाम पंडोही नदी, हिंडन नदी व यमुना नदी है। हिंडन नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 700 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 191 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश और देश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 73 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों से मिलती है। इस जिले में एक ही नेशनल हाईवे है। सहारनपुर जिले का वाहन पंजीकरण संख्या UP11 है। दोस्तों, सहारनपुर एक बहुत ही प्रतिष्ठाशाली और प्रभावशाली जिला है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो सहारनपुर जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम सहारनपुर जंक्शन है। इस जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म व 10 पटरी शामिल है। सहारनपुर जिले का जो रेलवे जंक्शन है, उसका कोड SRE है। सहारनपुर जंक्शन मुरादाबाद अंबाला लाइन, दिल्ली मेरठ लाइन, दिल्ली शामली लाइन पर स्थित है, और सहारनपुर जंक्शन नॉर्थ रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं, जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। सहारनपुर जिला में प्राचीन सकंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, शिवाधाम मंदिर, कंपनी गार्डन और यहां की नौगजा पीर साहब के दरगाह शरीफ आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल
वह कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग या बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: श्री ठाकुर जी महाराज कॉलेज, शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, हरी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, राजा महेंद्र प्रताप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ये सभी सहारनपुर जिला में ही मौजूद हैं। इस जिला में कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देता है। यहाँ के मुख्य अस्पताल में शुमार उर्मिला हॉस्पिटल, कमला देवी हॉस्पिटल, तारावती हॉस्पिटल, पेगासुस हॉस्पिटल शामिल है। दोस्तों, सहारनपुर जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।